सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल इंडियन चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस की अपडेट सबसे पहले। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी फादर चाइल्ड मेथड के बारे में सुना है? फादर चाइल्ड मेथड का मतलब यह है कि एक पेरेंटल कंपनी का होना और उसके अंडर में काफी सारी और कंपनीज का होना। जैसे अब सपोज कीजिए कि अगर मैं शाओमी को एक ब्रांड मानता हूं तो रेडमी अब उसका एक सब ब्रांड बन चुका है। इसी तरीके से जो है रियलमी है ओप्पो का सब ब्रांड बन चुका है, यानी कि ओप्पो जो है वो पेरेंटल कंपनी हो गई रियलमी की और रेडमी की पेरेंटल कंपनी हो गई शाओमी। इसी तरीके से ओप्पो और वीवो और वन प्लस की पेरेंटल कंपनी है बीबीके। बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसके अंडर में ही ये तीनों कंपनियां काम करती हैं और अलग अलग फोन्स लेके आती हैं। लेकिन आज मैं जिसके बारे में बात करने वाला हूं, नॉर्मली ऐसा कभी नहीं होता है कि एक जैसे दिखने वाले फोन, नॉर्मली आप सभी लोगों ने देखा होगा कि ओप्पो और वीवो के पहले के काफी सारे फोन जो है वो देखने में इतने सिमिलर होते थे कि अगर पीछे से ब्रांड को हटा दिया जाए तो ये देखना काफी मुश्किल हो जाता था कि कौन सा फोन ओप्पो का है और कौन सा फोन वीवो का है। ये तो होता आ रहा था, लेकिन मैं काफी टाइम से काफी खुश था कि वीवो जो है नए नए इन्वेंशन कर रहा है और काफी सारी चीजें लेके आ रहा है। जैसे वाटर ड्रॉप नॉच वो लेके आया, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट वो लेके आया, पॉपअप कैमरा वो लेके आया। लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं काफी निराश हो गया हूँ। मैं डिटेल में बात करता हूँ इस वीडियो में इस फोन के बारे में। दोस्तों, ये है वीवो V11 Pro। ये फोन अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने 26,000 रुपये का खरीदा था, मतलब 25,990 रुपये का। और अभी एक फोन आया है ओप्पो का K1 जो कि 16,990 रुपये का है। ये वीडियो स्पेशली मैंने इसलिए बनाया है कि कहीं आपका नुकसान ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको पता है अभी आज की तारीख में ये फोन जो है वो 23,990 रुपये का है, लेकिन ओप्पो K1 जो है वो 16,990 रुपये, मतलब डिफरेंस जो है वो 7,000 रुपये का है। लेकिन अगर बात करता हूँ कॉन्फ़िगरेशन की, क्योंकि दोनों फ़ोन ही जो है सेल्फी सेंट्रिक फ़ोन होते हैं, दोनों के अंदर कैमरा हमेशा से अच्छा होता आया है। लेकिन अब बात करता हूँ बाकी स्पेसिफिकेशन के बारे में और अब बताता क्या हूँ, मतलब आप भी देखिए और बिल्कुल फुल कंपैरिजन कीजिए, उसके बाद मैं आपको मेन बात बताता हूँ। देखिए, दोनों के अंदर ही 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी। अब सुपर एमोलेड डिस्प्ले देना इसलिए भी मजबूरी है क्योंकि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट जो होता है वो सुपर एमोलेड डिस्प्ले के अंदर ही काम करता है। तो दोनों के अंदर आपको 6.4 इंच की डिस्प्ले मिलने वाली है सुपर एमोलेड की। बात करता हूँ प्रोसेसर की, तो दोनों के अंदर ही स्नैपड्रैगन का 660 का आपको प्रोसेसर मिलने वाला है। कैमरे की अगर बात करता हूँ तो दोनों फोन्स के अंदर 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। रियर कैमरे की अगर बात करूं तो वीवो के अंदर 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल मिलेगा, वहीं ओप्पो के अंदर आपको 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल मिलेगा। तो कैमरा परफॉर्मेंस लगभग दोनों की सेम होने वाली है, हालांकि लगभग अलग अलग टेस्ट होता है दोनों को देखने का कि आपको किसकी पिक्चर ज्यादा पसंद आती है। अगर बात करता हूं बैटरी की, तो वीवो V11 Pro के अंदर आपको 3400 mAh की बैटरी मिलती है, जबकि ओप्पो K1 के अंदर आपको 3600 mAh की बैटरी मिलती है। 200 mAh की बैटरी उसमें ज्यादा मिलने वाली है। वहीं अगर मैं रैम और स्टोरेज की बात करता हूं तो वीवो V11 Pro के अंदर आपको जो है 6GB और 64GB का वेरिएंट मिलेगा, जबकि ओप्पो K1 के अंदर आपको 4GB रैम और 64GB की स्टोरेज का आपको ऑप्शन मिलेगा। ट्रस्ट मी दोस्तों, कोई खास परफॉर्मेंस के अंदर फर्क नहीं आने वाला है। 4GB 64GB या 6GB 64GB अगर आप दोनों देखेंगे, अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन ऐसी यूज़ करनी है तो लगभग एक जैसी ही दोनों में यूज़ होने वाली है। स्कोर्स भी अगर मैं बेंचमार्क स्कोर्स की बात करूँगा तो लगभग सेम दोनों के आते हैं। तो ऐसे में 7,000 रुपये का डिफरेंस क्यों? और साथ की अगर मैं बात करूँ इससे जो अभी 2-3 दिन पहले जो प्राइस चल रहा था उसके अंदर 9,000 रुपये का डिफरेंस था, इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? फ़ोन देखने में आइडेंटिकल है, मतलब एक जैसे लगभग लगते हैं, फ़ोन की कॉन्फ़िगरेशन लगभग सेम है, ब्रांड भी मुझे मालूम है कि एक ही पेरेंटल कंपनी है, तो ओप्पो वीवो लगभग सेम जैसे ब्रांड होते हैं। ऐसे में मेरा फ़र्ज बनता था कि मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करूं। ये छोटा सा वीडियो है लेकिन एक कंपैरिजन वीडियो के साथ साथ एक नॉलेज वाला वीडियो है जिसके अंदर मैं अवेयरनेस आपको देना चाहता हूं कि अगर आप प्लान कर रहे हैं वीवो V11 Pro को खरीदने का तो आप 7,000 रुपये बचा सकते हैं, आप ओप्पो K1 के लिए भी जा सकते हैं। ये बस मुझे इतनी सी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर देनी थी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे गिव अवे चल रहा है, उसके अंदर पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। मैं बहुत जल्दी डेट अनाउंस करने वाला हूँ किस दिन जो है गिव अवे निकलेगा। तो मिलता हूँ आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर।